सबसे पहले बुरा पार्ट बताऊं अच्छा पार्ट बताऊं? अच्छा पार्ट बताइए। सबसे पहले अच्छा पार्ट ये कि पिक्चर ने जो मैसेज दिया है कि भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी हैं, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है। इस देश के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो सभी ने अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए खून बहाया था। तो ये किसी का भी नहीं कि ये किसी हिंदुओं का है या मुस्लिमों का, ये देश सभी का है। और ये एक अच्छी मैसेज देती है कि हिंदू और मुस्लिमों को साथ आके एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसे है विद्युत और राधा शर्मा? बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी है फिल्म, बहुत अच्छी है, कहीं भी बोर नहीं करेगी, बहुत गजब की फिल्म है और सभी को देखनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। एक्शन की बात करें तो एक्शन कैसी लगी? एक्शन बहुत गजब का, आप एक एक सीन देख के हैरान रह जाएंगे, मतलब माइंड ब्लोइंग। ओके, ये तीसरी पार्ट है तो कंपेयर करके फर्स्ट और सेकंड से कितनी? थर्ड अच्छा है, टू मैंने देखा नहीं, फर्स्ट देखा है। फर्स्ट एक अलग फील था, ये अलग फील है, बट बहुत अच्छा है। ओके, फाइव स्टार कितना चाहते हैं? 4 स्टार देंगे। अब जो बुरा पॉइंट है वो और देख लो भाई। हाँ, बुरा पॉइंट ये है कि आज इंडिया के अंदर जितने भी पहलवान हैं, जितने भी रेसलर हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, वो हरियाणा से हैं। और हरियाणा के जो पहलवान हैं उनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि एक स्कूल जाती हुई लड़की की स्कर्ट उठा के देखते हैं, उसी को मिसेज बनाने की बात करते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। हरियाणा में तो अखाड़े भी इतनी दूर बने हैं जहाँ कोई आसपास औरत लड़की नहीं जा सके। तो इतना गलत तरीके से राइटर को सर्च करना चाहिए, डायरेक्टर को सर्च करना चाहिए कि हरियाणा के पहलवान इस देश की आन बान शान है, और उनको इस तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ हीरो की एंट्री दिखाने के लिए। डूब के मर जाना चाहिए। पिक्चर अच्छी बनाए नो डाउट, लेकिन ये गलत मैसेज मत दो। हरियाणा के पहलवान है, इसी कारण इंडिया का सीना और चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वो इंडिया को मेडल ला के देते हैं और आप उनको गलत तरीके से दिखाते हो हीरो की एंट्री के लिए। भाई थारा में दम है ना, तो हीरो ने दूसरे तरीके से एंट्री दिखा दो। पहलवानों की क्यों मतलब तुम गति खराब कर रहे हो जो देश को मेडल ला के दे रहे हैं? क्या सोच जाएगी सभी? किसी लड़की की इज्जत पे आ जाते तो हरियाणा के पहलवान खड़े हो जाएं भाई। हाँ, मूवी एकदम ज़बरदस्त थी। जो उसमें कुछ सीन्स थे, जो हीरो होता है वो लंदन जाके जिस आतंकवादी को पकड़ के लाता है, एकदम ज़बरदस्त सीन था, जो एक बच्चों को, जो भी देखने वाले होंगे, जो नौजवान होंगे, उनको प्रेरित करेगा जो कि देशभक्ति के प्रति। और बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, आई थिंक सबको अच्छा लगेगा और बहुत ज़बरदस्त था फाइनली। एकदम ज़बरदस्त, एकदम फाड़ू परफॉर्मेंस थी। और उसमें थोड़ा जो एक सीन था हरियाणा वाला, जैसे देसी टाइप कुश्ती वाला सीन था, वो एकदम परफेक्ट था, एकदम बहुत अच्छा लगा उसको देख के। हाँ, लेकिन मूवी बहुत ज़बरदस्त थी। एक्शन एक्शन बहुत ज़बरदस्त था बंदे का, बहुत बहुत मज़ा आया देख के मूवी, बहुत अच्छा। हाँ, 5 स्टार मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, इज़ अ वेरी गुड मूवी। और इसका कॉन्सेप्ट जो स्टोरी लाइन है, मतलब इट्स अमेजिंग, मतलब लाइक फील के यार बहुत अच्छा मूवी है, इसको देखना चाहिए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो देखना चाहिए, मैं तो 2 बार देख लूँगा इसको। इसकी बात करें तो कैसे लगी विद्युत जामवाल की आदा? सर, विद्युत जामवाल का एक्शन अगर आप देखो ना, तो मतलब हर मूवी के बाद, जितनी मूवी वो करते हैं उसके बाद लगता है कि अरे यार अभी इतना और बाकी करना रह गया है, मतलब अभी और कितना करेंगे, मतलब इट्स अमेजिंग उनका फिजिक्स, उनका एक्शन, मतलब इट्स लव इट। ओके, एक्शन की जैसे बात करें तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड की, तो क्या उससे बेहतर थी? उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर थी, मतलब फर्स्ट इज़ अ वेरी गुड उसमें, क्योंकि वो उसकी विलन अलग थे, इस सेकंड के विलन अलग थे, और इसका तो कॉन्सेप्ट ही मतलब डिफरेंट है टोटली। वो जो डायलॉग है ना कि विक्रम बत्रा और दूसरा वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और लास्ट में करण डोगरा इज़ अ लंदन, मतलब इट्स अमेजिंग। ओके, 5 ठीक है, मतलब इतनी खास नहीं लगी। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्युत आदा की कैसी लगी आपको? या विद्युत तो है अच्छा, ये एक्शन हीरो है, टाइगर श्रॉफ के बाद उसकी अच्छी बॉडी आज दिखाई है, देखिए अच्छी बॉडी है इसमें। बाकी पिक्चर में इतना स्लो हो जाती है बीच बीच, मतलब बैठे बैठे आदमी को लगता है बहुत लंबी पिक्चर है। ओके, एक्शन की बात करें तो एक्शन कैसी लगी आपको? एक्शन इज गुड, एक्शन इज गुड। ओके, कंपेयर करके फर्स्ट और सेकंड में तो ये बेटर थी या एवरेज? सेकंड तो वो तो एलिमेंट्स के ऊपर थी ना, तो वो भी ठीक थी। फर्स्ट फर्स्ट इज बेटर, फर्स्ट के टक्कर में नहीं है। बहुत बढ़िया फिल्म है, सबको देखनी चाहिए, कमाल की फिल्म बनाने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्युत की और अदा की कैसी लगी? विद्युत अदा ने पहले पार्ट में भी है, पहले दोनों पार्ट में, और इसमें भी काफ़ी बखूबी ढंग से निभाया गया है। अंगिरादर जो इसमें एक नई एडिशन है हीरोइन के रूप में, उन्होंने भी अपना पार्ट बखूबी निभाया है और अच्छी लगी, कहीं मिसफिट नहीं लग रही है और फिट लग रही है, इन अ सेंस की उन्होंने जो एक्शन किया है या फिर जो एक थोड़ा सा सीक्वेंस है प्यार वाला, वो भी काफ़ी अच्छा है।
ओके एक्शन की बात करें तो कैसी लगी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड? थर्ड वाली सबसे बेटर है। ओके फायर टॉप कितना स्टार देना चाहिए? 4। यार मुझे मूवी कमाल लग रही, बढ़िया मूवी लगी, फर्स्ट क्लास मूवी। ओके परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्युत की और आदर्श शर्मा की कैसी लगी? अल्टीमेट सर, इससे पहले विद्युत जामवाल को इतना रोमांटिक हमने कभी नहीं देखा, ना पहले में देखा ना सेकंड में देखा, लेकिन थर्ड में जो उनका गाना गाते समय जो उनका मूवमेंट है, जो उनका एक हिसाब किताब, वो कमाल है, ब्यूटीफुल। ओके एक्शन के बारे में बात करें तो कैसे लगे एक्शन? अल्टीमेट सर, हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ एक दो हीरो को छोड़ कर उनसे अच्छा कोई एक्शन करने वाला बंदा नहीं है। ओके कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कितनी अच्छी लगी? 3, डेफिनेटली 3। फायर टॉप कितना चाहते हैं? 4 सर।